मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। जी हाँ, हमारे देश की धरती, खास तौर से हमारे हरियाणा और पंजाब की धरती जो है वो हमेशा सोना ही उगलती है। और सोना किस रूप में उगलती है ये मैं अभी आपको दिखाती हूँ। हाय, हेलो, नमस्कार, आदाब, केम छो, कैसे हैं आप सब? अच्छे। हाँ, तो आज मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ खेतों में क्या क्या उगता है, कैसे उगता है। हमारा भी एक छोटा सा खेत है जिसमें हमने कई तरह की चीज़ें उगाई हुई हैं, और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ क्या क्या होता है। चलिए देखते हैं। ये सोना जो अभी तो हरा है, लेकिन ये जैसे जैसे ये पकेगा तो ये इसका रंग पीला होता जाएगा और पीली गेहूँ तैयार हो जाएगी। इसी को ये हम लोग सोना बोलते हैं। और इसके अलावा सोना जो है, गेहूँ तो है ही, इसके अलावा हमारे खेत में जो है ये भी लगे हुए हैं सरसों, सरसों के फूल और सरसों की फलियाँ देखिए कितनी अच्छी बढ़िया तैयार हो रही हैं। सरसों हमारे खाने का, हमारे भोजन का एक अभिन्न अंग है। हर मसाले में, हर सब्जी में सरसों का प्रयोग किया जाता है। और ये इसके सरसों के पीले पीले फूल बहुत अच्छे सुंदर लग रहे हैं। सरसों का साग तो खूब खाया हमने, और अब ये सरसों के बीज तैयार हो रहे हैं, सरसों के दाने इन फूलों से, इन फलियों से ये निकलेंगे, यहाँ सरसों के दाने। और इसके अलावा जो खेत में है वो है गन्ना, मीठा गन्ना, अभी छोटा छोटा है, ये देखिए गन्ना। गर्मियों में बहुत गन्ने का जूस पिया जाता है, और बहुत सी जो शरीर के लिए, ताकत के लिए। और गर्मी में जब लू लग जाती है, गन्ने का जूस पीना पसंद करते हैं सब लोग। तो हमने भी कुछ गन्ना लगाया हुआ है, और गन्ने को वैसे चूसना तो बहुत बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। इवन मेरे हस्बैंड तो बहुत ही पसंद करते हैं गन्ना चूसना। इसके बाद फिर गेहूं, और ये देखिए दूर दूर तक गेहूं ही गेहूं दिखाई दे रही है। और ये हमारे यहाँ सामने रोड है, नेशनल स्टेट हाईवे है। इसके अलावा जो है यहाँ पर ये पेड़ लगा हुआ है जो गलगल कहते हैं इनको, गलगल इसका अचार बनता है, नींबू की तरह इसका खट्टा टेस्ट होता है। काफ़ी अच्छे फल लगे हैं इस पे। और यहाँ पर नीचे पुदीना तो अपने आप ही बढ़ जाता है, भर जाता है। और ये आम का पेड़ है, इसके देखो छोटी छोटी कोमल कोमल कोंपले निकली हैं, छोटा है अभी। ये केले का जो है ये सूख गया पेड़। इसके बाद ये पेड़ है नींबू का, बहुत ही फल उतरा है इससे। आगे ये है अमरूद का पेड़, अमरूद भी बहुत खाए हमने, बढ़िया स्वाद वाले मीठे। और ये सब चीज़ें जो हैं इधर वाली, ये चीज़ें बिना किसी स्प्रे के, बिना किसी केमिकल के, नेचुरल तरीके से तैयार की हुई हैं।
ये एक और पेड़ है यहाँ, ये भी नींबू का है। आगे फिर सरसों का है, इधर गेहूं है। बहुत अच्छी वैरायटी तैयार होती है पुदीना, बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है इनकी। ताज़ा पुदीना यहाँ से तोड़ के ले जाते हैं, जब चटनी बनाते हैं तो बहुत बढ़िया स्वाद आता है उसका। यहाँ पर ये बरसीन, बरसम चारा जो है वो पशुओं के लिए तैयार किया जाता है। यहाँ इसके कुतरना चलता है, मोटर लगी हुई है। और यहाँ पर ये देखो, हेलो हेलो, राम राम, हेलो कैसे हो, राम राम, हेलो। ये हमारी दो भैंसे और दो गाय चारा खा चुकी, इनका भोजन हो चुका है। ये ट्यूबवेल चल रहा है और इसका पानी साफ किया जा रहा है, क्योंकि नीचे रिचार्ज हो रहा है पानी, तो मीठे वाला पानी भी चला गया बीच में, इसीलिए थोड़ा सा पीने के लिए साफ पानी देख रहे हैं कि आएगा कि नहीं आएगा या कहीं और से लाना पड़ेगा। ट्यूबवेल है, अभी सूरज छिप रहा है, सूरज के जाने का समय हो गया, तो हमारे भी घर जाने का समय हो गया है। हम खेत से थोड़ी दूर शहर में रहते हैं, तो चलो ठीक है। मैं उषा तनेजा अब आपसे विदा लेना चाहती हूँ, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।